तो अगर आप भी रात में सोने के वक्त मोबाइल चलाकर सोते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा नीचे लाइक वाले बटन पर क्लिक करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके, और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माय प्राइमरी सॉल्यूशन। आप भी रात में मोबाइल चलाते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा एस, अगर नहीं चलाते हैं तो लिखिएगा नो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस एप्लीकेशन का काम क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए आप रात में मोबाइल चला रहे हैं सोने से पहले, और मोबाइल चलाते चलाते आप सो गए। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते सो गए। अब क्या होगा कि सुबह जगेंगे तो उसी तरह से मूवी चलती रहेगी और आपकी सारी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, और आपकी बैटरी पर भी असर पड़ेगा। भाई लगातार फ़ोन में मूवी चलेगा तो आपकी बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, पूरी लो हो जाएगी। या अगर आप गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनते सुनते अगर आप सो गए तो आपकी सुबह तक बैटरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ही नुकसान होने वाला है। अब इस एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 घंटे मूवी देखनी है, मुझे 10 मिनट गाने सुनने हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना टाइम सेट कर लेना है कि मैं 1 घंटे मूवी देखूंगा, 2 घंटे मूवी देखूंगा यानी कि 120 मिनट मूवी देखूंगा, यहाँ पर 3 घंटे मूवी देखूंगा यानी कि 180 मिनट मूवी देखूंगा। तो यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, या अगर आपको केवल 10 मिनट मोबाइल चलाना है तो आप 10 मिनट का टाइमिंग सेट कर लीजिए। अगर आपका नींद भी लग जाता है यानी कि आप सो भी जाते हैं 10 मिनट के बाद, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ नहीं होगा, आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, बहुत कुछ यहाँ पर सेट करना पड़ेगा आपको। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ देखिए 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और जाइएगा सेटिंग में। यहाँ पर देखिए प्लेयर टू लॉन्च ऑन स्टार्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे बोलेगा कि आप किस एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर सब कुछ सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप YouTube के लिए सेट कर दिए, या यहाँ पर आप WhatsApp के लिए सेट कर दिए। देखिए जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं उसी के लिए सेट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको नींद लग जाता है तो आपकी वीडियो उसी तरह से चलती रह जाएगी। तो यहाँ पर YouTube को जैसे से आपने सेट कर दिया, अब यहाँ पर आपने टाइमिंग दिया कि मैं YouTube की वीडियो को देखूँगा 40 मिनट तक, 50 मिनट तक, ठीक है। यहाँ पर आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको परफॉर्म एक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है गो टू होम स्क्रीन, इसको टिक कर लीजिएगा। टर्न स्क्रीन ऑफ, इसको भी टिक कर लीजिएगा। सेंड पॉज ब्रॉडकास्ट, इसको भी टिक कर लीजिएगा। सेंड स्टॉप ब्रॉडकास्ट, इसको भी टिक कर लीजिएगा। टर्न ऑफ वाईफाई, इसको भी टिक कर लीजिएगा अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए टर्न ऑफ ब्लूटूथ, इसको भी टिक कर लीजिएगा। अगर आप फ़ोन को साइलेंट मोड में करना चाहते हैं कि मैं जब वीडियो देख लूँ तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक साइलेंट मोड में हो जाए इतने मिनट के बाद, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जा करके आपको सर्च करना होगा स्लीप टाइमर। आपके सामने यह एप्लीकेशन आ जाएगा, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम और आइकन आप अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।